मुंबई स्ट्रीट फूड में हमेशा ही कुछ नया देखने को मिलता है। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई स्ट्रीट फूड के कुछ अनोखे जायके। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। फूड के जायकों की शुरुआत मैं करूंगी मां अंजानी की स्पेशल ब्लैक पाव भाजी के साथ। यस, ब्लैक पाव भाजी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये बनती कैसे है। सो ये देखिए, मेरी पाव भाजी बनना स्टार्ट हो गई है और ये देख रहे हैं कितना सारा बटर डाला है और अब इनमें डाले जा रहे हैं इनके कुछ स्पेशल मसाले एंड फाइनली अब इन सारी सब्जियों को मैश करके भूना जा रहा है। तो ये आ गई मेरी ब्लैक पाव भाजी और इसके साथ आपको दिया जाता है टमाटर, प्याज और लेमन एंड जस्ट लुक एट दिस डॉलप ऑफ बटर। ओ भाई, दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि मुझसे तो अब नहीं रुका जा रहा। ऑलराइट, ओ दिस पाव भाजी सो डिफरेंट। बटरी होने के साथ साथ मुझे इसके अंदर गरम मसालों का बहुत ही डोमिनेंट फ्लेवर फील हो रहा है एंड थोड़ी सी और खा के देखती हूँ। ये बहुत ही स्पाइसी और चटकदार है। पिज्जा तो हम सबका फेवरेट है पर क्या कभी आपने उसे कुलचे के फॉर्म में खाया है? नहीं ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हरदेव ढाबे का पिज्जा कुलचा। सो ये देखिए, मेरा कुलचा बनना स्टार्ट हो गया है एंड वाओ, इसको टॉप किया जा रहा है कैप्सिकम, अनियन, टमेटो एंड चीज के साथ। वाओ, और अब ये कुलचा जाएगा सीधे तंदूर के अंदर। बट होल्ड ऑन, इट्स स्टिल नॉट डन। अब इसके ऊपर लगाया जा रहा है डॉलप ऑफ बटर एंड लोड्स ऑफ चीज। सो ये आ गया मेरा पिज्जा कुलचा एंड जस्ट लुक एट इट, इट लुक्स सो डिलीशियस। इसके साथ आपको दिया गया छोले और प्याज। वो तो अभी ट्राई करते हैं। बहुत ही गर्म है। भाई ये पिज्जा कुलचा तो बहुत ही बटरी है और बहुत ही डिलीशियस है और इसके अंदर जो इन्होंने हरी धनिया डाली है और अनार दाना डाला है ना, उसका तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। दिस इज रियली अनयूजुअल। डोसा इज द मोस्ट कॉमन स्ट्रीट फूड इन इंडिया और हम अक्सर मसाला डोसा, रवा डोसा या मैसूर डोसा खाते हैं, पर क्या कभी आपने एग डोसा खाया है? नहीं खाया ना। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनता कैसे है। सो ये मेरा डोसा बनना स्टार्ट हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू क्रैक द एग। तो ये आ गया मेरा एग डोसा और इसको सर्व किया गया है सांभर और कोकोनट चटनी के साथ। वो आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। ऑलराइट, बहुत ही गर्म है तो हाउ। ओके, भाई दिस डोसा इज वेरी डिफरेंट और कुछ कुछ मुझे मसाला ऑमलेट की तरह लग रहा है। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन। मुंबई की शान है यहाँ की चटपटी भेल पूरी, पर क्या कभी आपने चाइनीज भेल के बारे में सुना है? मुंबई में वो भी बहुत पॉपुलर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनती कैसे है।
सो ये आ गई मेरी बहुत ही कलरफुल सी चाइनीज भेल, सो कम ऑन लेट्स डिग इन। ऑलराइट, भाई ये भेल तो बहुत ही स्वीट स्पाइसी गार्लिकी और क्रंची है। अगर आपको भी मेरी तरह ना देसी चाइनीज खाना पसंद है तो ये ट्राई करना तो बनता है। भेल पूरी दिखाई है तो सेव पूरी दिखानी तो बनती है, बट होल्ड ऑन, इसके अंदर कोई चाइनीज फ्यूजन नहीं बल्कि इटालियन फ्यूजन है। तो चलिए देखते हैं श्रीजी किचन की एक्स्ट्रा वेगेंजा सेव पूरी। सो ये मेरी सेव पूरी बनना स्टार्ट हो गई है और इसमें ऐड की जा रही है बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड पनीर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम पिज्जा सॉस, और अब इसको ब्लो टॉर्च किया जा रहा है। वाह, एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड माय फेवरेट चीज। सो ये आ गई मेरी सेव पूरी एंड जस्ट लुक एट इट, इट लुक्स सो चीजी एंड कलरफुल। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। वो ये तो बहुत ही बड़ी है। क्या कमाल की सेव पूरी बनाई है। इसके अंदर मुझे इटालियन और इंडियन मसालों का बहुत ही कमाल का फ्लेवर आ रहा है। एंड दिस इज सीरियसली एन एक्स्ट्रा वेगेंजा सेव पूरी। कोन में तो हमने अक्सर आइसक्रीम खाई है, पर क्या कभी आपने पिज्जा, पास्ता, मैगी या चिली पनीर कोन खाया है? नहीं? अरे तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए मेरा कोन बनना स्टार्ट हो गया है, और ये देख रहे हैं क्या बढ़िया तरीके से इसको कोयले के ऊपर सेका जा रहा है, और अब इसके अंदर स्टफ किया जा रहा है शेजवान पनीर। सो हियर कम्स माय शेजवान चिली कोन, और इसको गार्निश किया गया है चीज के साथ। वो सो कम ऑन लेट्स ट्राई। वाओ, क्या बढ़िया कोन बनाया है। ये कोन एक्चुअली काफ़ी सॉफ्ट और क्रंची है, और इसके अंदर मुझे काफ़ी स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, प्लस इस शेजवान पनीर का तो क्या कहना। आई थिंक इट्स अ गुड मील ऑन द गो। इट्स डिजर्ट टाइम, और गर्मी के मौसम में मैंगो खाना तो बनता है। तो चलिए ट्राई करते हैं पप्पू जूस वाले का अल्फांसो मैंगो क्रीम। सो ये देखिए मेरी मैंगो क्रीम बनना स्टार्ट हो गई है, और ये देख रहे हैं क्या स्टाइल्स है, उसके ऊपर क्रीम डाली जा रही है। ओह माय गॉड। सो ये आ गया मेरा मैंगो बादशाह क्रीम, एंड जस्ट लुक एट इट, इट्स लोड्स ऑफ ड्राई फ्रूट एंड क्रीम। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। आई एम सो टेम्प्टेड। ओह माय गॉड, आई विल टेक अ बिग बाइट। दिस मैंगो क्रीम इज सो 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 डिलीशियस कि मैं आपको क्या बताऊँ। इट्स लोडेड विद लॉट्स ऑफ क्रीम एंड ड्राई फ्रूट, और ये बहुत ही रिच है। वैसे आपका जब कभी भी मुंबई आना हो तो ये मैंगो ट्राई करना तो बनता है बस। मुझे तो बहुत मजा आया हमेशा की तरह मुंबई स्ट्रीट फूड कवर करके। आई होप यू गाइज मस्ट हैव लाइक माई वीडियो, सो डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।